Check. Hello, hello. Shall we start, my dear friends? Everybody, ready hai kya sab log? Vinod sir ke chahiye. Yes. वेलकम बैक एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हमारा ये लेक्चर कब तक चलेगा? तो ऑब्वियसली हमारा लेक्चर .7:15 तक चलेगा, ठीक है? रेडी हो सब लोग? चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। ऐसी क्वेश्चंस आप पहले ट्राई करोगे, फिर मैं बताऊंगा। हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन सिर्फ एक तरीके से आना जरूरी नहीं होता है। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं क्लास में, बट अगर आपने एक्स लेकर सॉल्व किया, आपका प्रेजेंटेशन चेंज है, मगर आपका फाइनल आंसर और मेरा फाइनल आंसर मैच हो रहा है, तो आपके तरीके भी सही है, ठीक है? एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे क्या? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पेपर नहीं चेक करने वाला हूं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा आपको। ऐसे ही आप अप्लाई कर दिए आपके लॉजिक्स, ऑटोमेटिकली सब मार्क्स भी मिलते रहेंगे और सब होते रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन की तरफ आ जाइए सब लोग। आपके पास होली का नंबर है शायद ना, सबके पास है, तो कोई एक जन होली को मैसेज कर दो कि अभी के लेक्चर का लिंक, वी स्मार्ट एज वेल एज विनोद रेड्डी सर का चैनल का लेक्चर का लिंक टेलीग्राम पर डाल दे। बोल दिया क्या? फास्ट है भाई, वी स्मार्ट एंड विनोद रेड्डी सर लेक्चर लिंक प्लीज सेंड ऑन टेलीग्राम चैनल। ठीक आंसर? अच्छा हाँ, हाथ पर करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहे हैं यहां पर? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ वाडीलाल लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज नथिंग बट इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, एंड वहां पर ब्रैकेट में लिखा है शेयर्स ऑफ 100 ईच। अगर 100 ईच बोला दोस्तों, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10,000। देन एंड रुपीज 10 लाख्स ऑफ 10% डिबेंचर्स, तो 10 लाख के डिबेंचर्स है अगर 10% वाले, तो आपका डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना बना? 1 लाख। एट द सेम टाइम आपका टोटल कैपिटल कितना बना? टोटल कैपिटल कितना? 10 लाख का डिबेंचर्स और 10 लाख का इक्विटी, टोटल हो गया 20 लाख्स कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20%। क्या लिखा है दोस्तों? सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम 1 लाख यूनिट्स टू 1,20,000 units। The selling price is 10 rupees per unit. Variable cost amounts to
6 per unit. Fixed expenses amounts to 2 lakhs. Income tax rate is assumed to be 35%. You are required to calculate the following. Percentage increase in EPS. Correct? Percentage increase in EPS. Degree of financial leverage at 1 lakh units and 1,20,000 units. Degree of operating leverage at 1 lakh units and 1,20,000 units. Comment on the behavior of operating and financial leverage in relation to increase in production from 1 lakh units to 1,20,000 units. ये जो comment वाला part है, leverage पर जो comment करना है आपको, वो हम लोग साथ में pass करेंगे. ठीक है? बाकी आप तीन पार्ट जो स्टार्टिंग के वो सॉल्व करोगे. आपको क्या पूछा समझा ना? फर्स्ट पार्ट में आपको ईपीएस पूछ रहे वो लोग. सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे? ईपीएस. सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. दोनों लेवल पर पूछ रहे कि दोनों के बीच? दोनों लेवल पर पूछ रहे. At 1 lakh units and 1,20,000 units. Everybody. तो दोनों level पर पूछ रहे, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? Normal या percentage change? Normal वाला formula use होगा. See, दो answers अलग अलग जगह पर लाने हैं. तो obviously percentage change से तो answer एक ही आने वाला है. तो अपने को तो दो answers लाने हैं. तो normal वाला formula use होगा. कौन सा? DFL के लिए EBIT divided by EBT. And DUL के लिए Contribution divided by EBIT. तो second part में DFL पूछा, third part में DOL पूछा. आप सिर्फ तीन part निकालोगे. आपके पास format नीचे ready है. Start. For solving this, I give you 5 minutes time. क्वेश्चन जो है, ये पूरा बुक आपके साथ सॉफ्ट कॉपी में शेयर किया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन. Please solve independently. Don't look left and right.
ये रहने दो, गरीबी में मत जीने दो उनको। तुम्हारे लिए ये स्क्रीन का प्रॉब्लम है ना, तो ये अच्छा दिख रहा है, डोंट वरी। ये स्क्रीन ऐसे क्यों हो गया? सेकेंड वाले में दो टेबल, मतलब क्वेश्चन नंबर टू आई डोंट नो। इधर दो टेबल क्यों दिए? फर्स्ट टेबल इज फॉर योर वर्किंग, सेकेंड टेबल इज फॉर योर मेन आंसर। जो कंपोनेंट्स ढूंढने होते उसके लिए फर्स्ट टेबल है, वर्किंग नोट है समझ लो ये, और ये मेन आंसर है, ये इनकम स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही जा रहे हो, यहां पर ऑनलाइन में मेरे पास आंसर्स जो आ रहे हैं बिल्कुल सही है। सो साहिल योर आंसर इज करेक्ट। यहां पर भी सौम्या बोल रहे डन है, संकेत बोल रहे डन है, आंसर्स बताते जाओ फटाफट फटाफट फटाफट। थैंक यू एबी, थैंक यू सो मच। जिन जिन लोगों का आंसर आ गया एक बार हैंड रेस कर दो ताकि मुझे समझ जाए, ठीक है? ओके डन। Done guys. So, यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट विल बी सेल्स। तो सीरियल नंबर ए सेल्स एट द रेट कितना? रुपीज 10 पर यूनिट। तो यहां पर आ जाएगा 10 लैक्स और इधर आ जाएगा 12 लैक्स। शुरुआत करेक्ट है क्या? क्या कर रहे वो तीन लोग, तीनों लड़के क्या कर रहे, क्या कर रहे थे? एक बुक में तीन लोग सॉल्व कर रहे हो, ध्यान दो भी क्लास में है। आजकल सिर्फ लड़के लोग भी बिजी रहे तो भी शक आता है भाई। गुड, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 6 पर यूनिट। सो ये कितना आएगा? 6 लैक्स 7,20,000। देयरफॉर यू गेट योर contribution, that is A minus B, and which comes to 4 lakh and 4,80,000. D part, fixed cost given है ना, कितना है? 2 lakhs. Second case में 2 lakhs. E part will be EBIT C minus D, कितना आएगा? 2 lakh and 2,80,000 rupees. And फिर माइनस होगा F पार्ट में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए बोलना पड़ेगा आपको 10 lakh का 10%, that comes to 1 lakh. दूसरे केस में भी 1 lakh. G पार्ट विल बी EBT, earning before tax, and that will be E minus F, and that comes to
1,80,000 rupees. All of you, क्या ये आंसर्स आ रहे हैं आपके? देन टैक्स है क्या? टैक्स एट द रेट 35% ऑन जी ईबीटी, और फिर आपका टैक्स अमाउंट आता है 35,000 63,000 एंड ई ए टी और एन आई बोल सकते हैं ना, इट कम्स टू 65,000 1,17,000. आया क्या आंसर? जे पार्ट विल बी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 10,000. लॉजिक क्या है इसका? 10,00,000 / 100 each. ऑल ऑफ यू एंड अर्निंग पर शेयर I divided by J कितना? 6.5 rupees. 11.7 rupees. सही है क्या? अब तीनों लिवरेजेस निकालना है, दो निकालना है, दो. यहां पर आएगा DOL इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय E, एंड DFL के लिए आएगा E डिवाइडेड बाय G. सही है क्या? तो फिर फर्स्ट केस योर आंसर कम्स टू टू रुपीज नहीं है, वो टू टाइम्स है, टू टाइम्स 1.71 times. सेकेंड ये जो DFL है ये टू टाइम्स 1.56 times. करेक्ट. और क्या पूछा आप? परसेंटेज चेंज इन EPS. तो यहां पर अपन लोग नीचे लिख सकते परसेंटेज चेंज इन EPS इज इक्वल टू चेंज मतलब 11.7 माइनस 6.5 डिवाइडेड बाय 6.5 इनटू 100. बराबर कि नहीं? कितना परसेंट चेंज? 80% चेंज. बिल्कुल सही जा रहे हो आप, 80% चेंज. ऑनलाइन के सभी आंसर्स भी करेक्ट ही आ रहे, ऑफलाइन के भी करेक्ट है. कॉपी करने की जरूरत है ही नहीं आपको, सबको आंसर्स करेक्टली आ रहे हैं. तो अब आप क्या बोलोगे? इन्होंने पूछा आपको दिस इज डन. कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज. अब आप बोलो कि इस पे आप क्या कमेंट करोगे कि आपका 1,00,000 units के वक्त टू टाइम्स था, और 1,20,000 के वक्त 1.71 एंड 1.56 हुआ तो क्यों हुआ? माइक कहां पर है? माइक किधर है? बोलिए माइक. हाँ पीछे पास कीजिए जरा. किसको किसको आंसर देना था? ये सेकंड बेंच पे जरा इधर पास कीजिए, इधर ये इसको मौका देंगे. आंसर आया तो कमेंट करना है आपको. तुम बोल रहे थे तुमको आंसर चाहिए, तो मैं तुमको कमेंट करने के लिए माइक पास कर रहा हूं. कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज एंड देयर डिफरेंस इफ एनी. सर अपना ईपीएस है वो 80% आ रहा है चेंज इन ईपीएस, यानी कि अपना ईपीएस बढ़ रहा है. उस पे कमेंट नहीं करना है रे सर. मेरे को क्वेश्चन नहीं बता, मैं दूसरा क्वेश्चन. बीकॉम वाला आदमी है, बता क्वेश्चन नहीं बता, आंसर मानू है. आंसर बोल रहा है. रुको सर रीड करने दो. सर इसके अंदर अपना जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन सेम रहेगा, और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी सेम रहेगा. तो उसका जैसे जो फर्स्ट वाला है उसके अंदर अपना जो भी कॉस्ट है
वो एज इट इज रहेगा और सेकंड वाले के अंदर कॉस्ट रिड्यूस होगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज है बट वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ते जाएगा और अपना सेल्स भी बढ़ रहा है, अपना रिड्यूस क्यों हो रहा है वो बोलना है ना सर, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है, फर्स्ट वाले में भी सेम है सेकंड वाले में भी सेम है इसलिए वही बोलना है। बोलना क्या चाहते हो भाई, बताना क्या है सर? पीछे कोई हाथ ऊपर कर रहा था, पास करो, दो बेंच पीछे पास करो। हेलो सर, इसमें 1 लाख यूनिट्स वाले में DOL और DFL दोनों हाई रिस्क पे वो यूज कर रहा है तो उसे ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, रिस्की है उसके लिए, आई मीन केयरफुल नहीं रिस्की है उसके लिए। और 1,20,000 यूनिट्स वाले में वो DOL ज्यादा ले रहा है, मींस उसका मार्जिन ज्यादा है, ज्यादा है उधर 1.714। अच्छा 2.2 ज्यादा है ना सर, 0.2। कोई और फ्राई करना चाहेगा? आगे पास कर दो लास्ट। सर अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो DOL लीस्ट होता है तो फेवरेबल होता है, तो सेकंड वाले में लीस्ट इसीलिए आ रहा है क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम है तो उसका एडवांटेज मिल रहा है, इसीलिए DOL कम हो रहा है दूसरे वाले में तो वो ज्यादा फेवरेबल है। चलिए मैं आपको बताता हूं, अगली बार आपको मौका दूंगा क्योंकि माइक बहुत दूर है, जब तक माइक पास कर दो उधर पास कर दो, जब तक सुनिए अच्छे से। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन ही नहीं समझा है, क्वेश्चन में बोला है कि आपका ये जो 1 लाख यूनिट्स है और 1,20,000 यूनिट्स है, ये यूनिट्स बढ़ने के बाद आपका DOL और DFL का जो बिहेवियर है उस पर कमेंट करना है आपको। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द बिहेवियर पहले ये बोलो मुझे, दोनों भी कम हो रहा है तो भाई आपको यही पूछ रहे वो लोग कि वो कम क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, द क्वेश्चन इज अबाउट दैट। फिक्स कॉस्ट एंड इंटरेस्ट दोनों भी सेम है और जब सेल्स बढ़ रहा है तो उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा बढ़ रहा है, समझ में आई बात? तू रहने दे भाई, तू तो रहने दे, तू क्या बोला था ये तो तुझे ही समझा भाई। फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट, ध्यान से सुनो, फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट, ओके प्लीज फोकस, दोनों भी जो है फिक्स कॉस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट ये दोनों भी सेम फिक्स मतलब सेम लेवल पे है और बावजूद इसके सेल्स बढ़ गया, तो अगर सेल्स बढ़ गया तो इनका फायदा मिल रहा है हमको, ये दोनों भी कंपोनेंट्स सेम रहेंगे, सेल्स बढ़ने से बाकी कॉस्ट बढ़ेगा मगर ये कॉस्ट नहीं बढ़ेंगे तो इनका हमें बेनिफिट मिला। गर्ल्स पे फोकस कर, वो क्या कर रहे, टाइम पास कर रहे हो क्या आप लोग, इधर ध्यान दो, सामने स्क्रीन है, पीछे क्या देख रहे हो आप? तो यहां पर आपका सेल्स बढ़ने से वो कॉस्ट सेम रहेगा और सेल्स बढ़ेगा मतलब ही रिस्क आपका कम हो गया, रिस्क आपका कम हो गया। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, मे बी रियल लाइफ एग्जांपल यू विल अंडरस्टैंड, कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल कि आपका ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में अपन ऑलमोस्ट 70% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, अभी अगर और 30% भर जाए तो हमारा सेल बढ़ेगा, ट्रू फॉल्स? ट्रू। फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा नहीं, तो बेनिफिट मिला ना, कहने से रिस्क भी कम हुआ। रिस्क कम क्यों हुआ सर? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा ना, प्रॉफिट्स बढ़ रहे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहे, ब्रेक इवन पॉइंट तो उधर ही है, उससे बहुत ऊपर जा रहे हैं हम लोग, बस एग्जैक्टली यहां पर भी वही हो रहा है। अच्छा, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है राइट फ्रॉम दोज ACs टू दिस प्रोजेक्टर टू दिस सिस्टम टू एवरीथिंग, ये शो को रन करने के लिए खर्चा लगता है ऑब्वियसली, ये बोरोड फ्रॉम बैंक हो सकता है, यस बोरिंग जितना भी लिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ लिया रहेगा 10% से, तो इंटरेस्ट कितना हुआ?
10 लाख का इंटरेस्ट यहां पर और 30% कैपेसिटी बढ़ने के बाद बढ़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि बोरिंग तो उतना ही रहेगा, रेट भी उतना ही रहेगा, मगर आपका सेल्स और बढ़ रहा है तो कैन वी से हम और सेफ जोन में जा रहे हैं, हमारा रिस्क घट रहा है, क्योंकि हमारा रिस्क घट रहा है। लिवरेज का नाम दो थे, एक एडवांटेज था और एक रिस्क था। तो गाइज आपका रिस्क क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए यहां पे लिवरेजेस क्या कम क्या दिख रहे हैं आपको? कम होते हुए दिख रहे हैं। जो लिवरेजेस पहले 2.2 times थे वो 1.71 और 1.56 हो गए। तो दोनों लिवरेजेस क्यों घटे? क्योंकि फिक्स कॉस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट सेम रहा एंड सेल्स बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली हम कैनवी से हम और सेफ जोन में आ गए, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया, रिस्क घट गया। एंड बिकॉज लिवरेज इज रिस्क, आप दोनों जगह देख रहे हो कि आपका रिस्क घटा हुआ दिख रहा है, लिवरेज घटा हुआ दिख रहा है। समझ में आया क्या कंसेप्ट? तो यहां पर हम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में चेंज इन ईपीएस के नीचे लिखो so right there comment on DOL and DFL comment on DOL and DFL with the increase in sales with the increase in sales both DOL and DFL is decreased since fixed cost of operation right full form fixed cost of operation and interest cost of finance interest cost of finance remains same thereby reducing the risk that is leverages thereby reducing risk that is leverages jipa acche se samjha नहीं आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ लिवरेज नहीं पूछ रहे क्योंकि यहां पर कोई अलग अलग प्लान्स थोड़ा है डायग्रामेटिकली अगर मैं बताऊं इसमें क्या हुआ एज पर एज द ऑपरेटिंग लिवरेज इज कंसर्न आई कैन शो यू डायग्रामेटिकली क्या हुआ ये आपका सेल्स चार्ट था ये जीरो सेल है दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट और यहां पे आपका एक्चुअल सेल्स था 1 lakh units जो बढ़कर हो गया है न्यू सेल्स कितना 1.2 lakh units तो ओरिजिनली जो तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था वो इतना था अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी और भी बढ़ गया अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा मतलब रिस्क कम हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर बढ़ा तो रिस्क कम हुआ रिस्क अगर कम हुआ मतलब ही आपका DOL भी कम हो गया सो आई कैन एक्सप्लेन यू डायग्रामेटिकली अबाउट DOL यू कैन इमेजिन अबाउट DFL कि भाई आपका सेल्स बढ़ता है बट आपका इंटरेस्ट क्यों बढ़ेगा ना आपका इंटरेस्ट तो जितना था उतना ही रहेगा तो जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ने से हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है हमारा रिस्क कम हो रहा है वैसे ही यहां पर आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो सेम रहने से और सेल्स बढ़ने से
आपका रिस्क जोन जो है वो और भी कम हो गए। एक सिंपल बात है ना, जिस कंपनी का सेल्स ज्यादा है उसने लोन ज्यादा लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, जिस कंपनी का सेल्स ही कम है उसने लोन भी कम लेना चाहिए। हमारी कंपनी ने एक लोन लिया, हमारे सेल बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे, व्हाट विल हैपन? हमारे लिए बेटर हुआ कि खराब हुआ? बेटर हुआ ना। हमारी कंपनी ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोन लिया और उसके बाद हमारे सेल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, व्हाट विल हैपन? हमारे रीपेमेंट्स टाइम पर हो रहे, हमारे इंटरेस्ट भी पेमेंट्स टाइम पर हो रहे, करेक्ट? चलिए आगे बढ़े। यहां पर एक कमेंट आ रहा है कि सर कब तक कंटिन्यू करेंगे लेक्चर? 7:15 तक करूंगा, ठीक है 7:15 तक करूंगा। उस अगर अगर आपको फील हो रहा है कि 7:15 क्यों है तो 7:30 समझ लो और 7:15 को छोड़ दूंगा। अब ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे आप लोग? ट्राई करोगे? अगेन नो हिंट एंड यू विल ट्राई क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू फिर से लॉजिक वही है, इनकम स्टेटमेंट आप बनाओ, कमेंट अपन साथ में पास करेंगे, क्योंकि ये जो कमेंट्स हैं ये कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम के कमेंट्स नहीं कि आप मेरे से बेटर करोगे, ये एकेडमिक कमेंट्स है। ऑब्वियसली ये मैं बेटर करता हूं। आप पहले फर्स्ट पार्ट पर फोकस करो, यहां पर इनकम स्टेटमेंट बनाना है और आपको दो यहां पर टेबल दिख रहे हैं, तो फर्स्ट टेबल इज फॉर योर वर्किंग नोट टू फाइंड दोज मिसिंग आइटम्स एंड सेकेंड विल बी योर इनकम स्टेटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो तीनों कंपनी का आपको मिसिंग वैल्यूज निकालना है तो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट दिया है आपको निकालने के लिए और नीचे आपको इनकम स्टेटमेंट दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर टू। सेकेंड माइक है उसको ऑफ करो बेटा, ठीक है? जिसके पास भी वो माइक है ना उसको ऑफ रखो।
लास्ट वन मिनट राइट गिव योर बेस्ट शॉट ये जो भी आपको सॉल्व करने दे रहा हूं ये मौका है आपको आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत ही नहीं अगर आप ये सब सॉल्व कर रहे तो कितने लोगों के आंसर आ गए सेकंड के ओके कीजिए सॉल्व और दो मिनट टाइम है आपके पास डोंट गिव अप साहिल इज सेइंग फर्स्ट कंपनी के केस में सेल्स 4,500 होते हैं, EBIT 300 होता है और EBT 100 होता है, करेक्ट है? सीम्स टू बी करेक्ट साहिल. बाकी ये ऐप में जो लोग जुड़े हैं धड़ 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 आंसर देते थे, क्या हो गया? अभी अचानक से स्टॉप हो गया आपका, कोई भी आंसर नहीं है जबकि सब लोग जुड़े हैं. This question says the selected financial data of P, Q and R companies for the year ended 31st March 2023 is given to you. P Limited, Q Limited, R Limited. Variable cost as a percentage of sales, interest expense, degree of operating leverage, degree of financial leverage, income tax. But श्रेया सिंह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधा ही सॉल्व हुआ है. क्यों भाई आधा? क्या हार्ड क्या है इसमें? आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 5:1, 3:1 ऐसे कैसे दिया है? 5:1 मतलब क्या हुआ? 5 टाइम्स, 3:1 क्या होता है? 3 टाइम्स इज टू 1 है ना वैसे भी. यस, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT ऑपरेटिंग लेवरेज 5 टाइम्स, तो 5 लेके डायरेक्टली सॉल्व होता है. सौम्या आपका आंसर करेक्ट है, संकेत आपका आंसर भी करेक्ट है लग रहा है. सो जस्ट टू गिव यू आइडिया कि वो जो आपका वर्किंग नोट है वो कैसे बनता है, कोई भी एक जन मुझे बताएंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा. उधर पास कर दो माइक. बोलिए बेटा, सबसे पहला स्टेप बताइए हमें. DFL का फॉर्मूला पता है? DFL का फॉर्मूला पता है, EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट. EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट, ओके. और DFL हमें दिया है, DFL हमें दिया है, हाँ. तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, इंटरेस्ट भी पता है हमें. अच्छा, इंटरेस्ट भी पता है, DFL भी पता है, मिसिंग वैल्यू सिर्फ EBIT रहेगा. EBIT मिलेगी तो EBIT मिल जाएगा. एक मिनट रुकिए, तो वर्किंग नोट बोलकर इधर लिखेंगे. और
यहां पर लिखेंगे DFL इज इक्वल टू EBIT माइनस डिवाइड बाई डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट यही बोल रहे ना आप? यस सर। तो पी लिमिटेड का EBIT आपका DFL कितना है? 3। तो यहां पर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस 200। एवरीवन ऐसा लिखना था आपको। और इससे EBIT इज इक्वल टू कितना आएगा? इससे 300 300 कैसे आएगा? अपोजिट साइड जाएगा, 3 EBIT माइनस 600 इज इक्वल टू 1 EBIT एंड देयरफॉर 2 EBIT इज इक्वल टू 600 देयरफॉर 1 EBIT इज इक्वल टू कितना? 300 ऑल ऑफ यू। यस सर। जैसे मैंने पी सॉल्व किया वैसे ही आप क्यू भी सॉल्व कर सकते हो। यस सर। तो उसके लिए क्या होगा? 4 इज इक्वल टू EBIT डिवाइड बाई EBIT माइनस 300 तो EBIT 400 आए। देयरफॉर इसका आंसर EBIT कितना? 400 आता है। आया क्या? यस। ऑल ऑफ यू। और वैसे सेम आर का जो आपका लेवरेज है फाइनेंशियल वाला वो 2 times है। 2 times 2 इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाई EBIT माइनस 1000 देयरफॉर EBIT 2000 आया। EBIT इज इक्वल टू 2000 हमें DOL दिया है। अभी DOL का फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, इससे हमको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। वेरी गुड। सही जा रहा है क्या? सबको समझ रहा है क्या? मैंने क्या बोला था हिंट? EBIT इज द कनेक्टिंग लिंक बोला था ना। तो आपने एक बार EBIT निकाल लिया तो आप दूसरे लेवरेज में जा सकते हो, एक लेवरेज से दूसरे लेवरेज में जा सकते हो फिर आप। तो यहां तक सबका सॉल्व हो गया, इसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। अभी सेकेंड पार्ट के लिए ही सेइंग अस टू यूज DOL फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT आपका DOL फर्स्ट कंपनी का 5 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 300 कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ऊपर निकाला हुआ आंसर EBIT का 300 कॉन्ट्रीब्यूशन 1500 कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स टू 1500 माई डियर फ्रेंड्स एवरीवन। श्रेया समझ में आया क्या आपको? अभी आपका आधा आधा आंसर आ रहा था ऑनलाइन, आपने कमेंट किया था, अब आपको समझा है क्या? यस। बाकी इंद्रजीत निहारिका आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए कौरी आपका आंसर भी सही लग रहा है। चलो चेक करते हैं। अब क्यू कंपनी के लिए आपका 6 times डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 400 देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 2400 ऑल ऑफ यू। और लास्ट केस में आपका DOL है 2 इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2000 तो देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 4000। बोलिए कॉन्ट्रीब्यूशन तक किसी को कोई डाउट है? ओके आपका अभी नाम क्या? हमें वेरिएबल कॉस्ट का नाम क्या? ललित महाजन बहुत ही अच्छा आंसर दिया ललित। अब आगे ऑब्वियसली एंड में ताली बजाएंगे रे, तो उसके लिए लगे ताली हो जाएगा। अब आगे का स्टेप क्या करोगे? हमें वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज दिया है, मतलब 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। What is saying, समझा क्या? Yes. हमें वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया है, तो अगर आप 100% में से वो परसेंट माइनस कर दोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल आ जाएगा, जिसको हम कॉस्टिंग की भाषा में PV रेशियो बोलते हैं। Yes. अरे समझ में आ रहा है क्या? Yes, एवरीवन। तो एक काम करते हैं, फिर यहां पर PV रेशियो लिख देते। Yes, sir. PV रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस
वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ऑल ऑफ यू, यस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो फर्स्ट केस में आंसर आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना दिया है, 66.66 मतलब ही 66.667 है। यस, तो फिर 100 में से वो माइनस कर दो, 33.3 दिया आएगा, 33.33% आ जाएगा, बराबर। यस, दूसरे केस में 25 आएगा बिकॉज 75 दिया है। यस, yes. तो यहां पर आ जाएगा 25% पीवी रेशियो। और थर्ड केस में 50 दिया है तो रिमेनिंग 50 आ जाएगा। आई होप सबको समझ आए। यस सर, कैसे निकाला सर, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कहां है, क्वेश्चन में दिया है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कहां है, क्वेश्चन में दिया है। तो फिर कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो डिवाइड करेंगे तो सेल्स आएगा हमारा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स। ये कौन सा फॉर्मूला है भाई ललित, सेल्स टोटल सेल्स आएगा, मतलब पीवी रेशियो के फॉर्मूले को मॉडिफाई किया उसने। पीवी रेशियो का फॉर्मूला बोलो एक बार, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो उसने क्या किया समझा ना, अपोजिट साइड भेजा और ये इधर भेजा, तो बाय डिफॉल्ट यहां पर आप बोलोगे 15,000 पॉइंट इज सेल्स इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो है 33 1/3%, 4,500 आया। तो 4,500 लेना पड़ता है। ऑल ऑफ यू जब भी आप 33 1/3 बोलते हो ना तो 0.33 मत लेना, 0.3333 पूरा आता है, राउंड ऑफ डिफरेंस मत क्रिएट करना। नेक्स्ट केस आपका कंट्रीब्यूशन है 2400 डिवाइडेड बाय 25% 9600, सेल्स आ जाएगा 9600। लास्ट केस में 4000 डिवाइडेड बाय 50% आपका सेल आ जाएगा 8000 विदाउट कैलसी। बिल्कुल सही जवाब, एकदम जबरदस्त, थैंक यू सर, बहुत सही ट्राई कर रहे हो। और बेस्ट पार्ट है कि सब लोग ट्राई कर रहे हैं, यही हमको चाहिए क्लास में, सब लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसके बेसिस पर सर अब बाकी भी तो आइटम निकालने बाकी है, वो हम इनकम स्टेटमेंट में एज बैलेंसिंग फिगर दिख सकते हैं ना, समझा कि नहीं। तो चलो इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत सेल्स से होगी, सेल्स कॉपी कर लो 4500 9600 8000। बी पार्ट विल बी वेरिएबल कॉस्ट, या तो परसेंटेज ले लो जो क्वेश्चन में दिया है, या तो कंट्रीब्यूशन लिखकर बैलेंसिंग फिगर ले लो, परसेंटेज ठीक है, बैलेंसिंग फिगर कोई बात, कंट्रीब्यूशन बताओ, कंट्रीब्यूशन इज 1500 तो बाय डिफॉल्ट ये आ जाएगा 3000। नेक्स्ट केस कंट्रीब्यूशन इज 2400 बैलेंसिंग फिगर विल बी 7200। लास्ट केस 4000 बैलेंसिंग फिगर इज 4000। एवरीवन सबको समझ रहा है क्या, देन डी पार्ट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट, ई पार्ट विल कम ईबीआईटी। अब आपके पास ईबीआईटी रेडी है, तो आपका जैसे ये बैलेंसिंग फिगर हुआ, वैसे ये फिक्स्ड कॉस्ट भी बन सकता है आपका बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ईबीआईटी का नंबर है फर्स्ट केस में 300, तो यहां का बैलेंसिंग फिगर आएगा 1200। सेकेंड केस में ईबीआईटी आता है 400, बैलेंसिंग फिगर आता है 2000। लास्ट केस में 2000, बैलेंसिंग फिगर आएगा 2000। जिपिंग इजी। अब एफ पार्ट में आएगा आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है तो ब्रैकेट में लिख दो गिवन,
इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है इसलिए लिख दो। इंटरेस्ट कितना गिवन है? 200, 300, 1000, 200, 300, 1000 एंड देयरफॉर ईबीटी विल बी ई माइनस एफ 100, 100, 1000। और कुछ टैक्स वैक्स है क्या? एच पार्ट टैक्स एट द रेट 45, अच्छा 35, बोर था 35% ऑन जी, तो ये 35 आएगा और आई पार्ट में आ जाएगा ईएटी, जिसको हम बुला सकते हैं इस क्वेश्चन के अब तक एनआई नेट इनकम, वो आएगा 65। सेकंड केस आल्सो 35, 65, लास्ट केस 350 एंड 650, बराबर 350 एंड 650, एकदम सही। तो आपके आंसर्स, फाइनल आंसर्स है आपके स्क्रीन पर, और इस पर आपको क्या करना है? कमेंट करना है, यहां पे लिखा है कमेंट। तो आप बताएंगे क्या कमेंट करेंगे इस केस में। आपके पास तीन कंपनी है, ध्यान से सुनो इन्होंने क्या बोला आपको, प्लीज फोकस ध्यान दो। कमेंट ऑन पहला पार्ट बोला फाइनेंशियल पोजिशन, दूसरा बोला स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल पोजिशन और स्ट्रक्चर ये क्या होता है? तो जब भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर पे कमेंट करना होता है तो आपके लिए मेन मुद्दे की बात होती है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, मतलब इनकम स्टेटमेंट से आप लोग देखोगे सेल्स एंड लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट। क्या देखोगे बोलो? सेल्स एंड लास्ट अवेलेबल प्रॉफिट, एंड इसी को आप कंपेयर करोगे रिस्क के साथ, मतलब लेवरेज के साथ। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं फर्स्ट कंपनी का, उसके बेसिस पर आप ट्राई करोगे बच्चे दोनों कंपनीज, ठीक है? तो पी कंपनी पर अगर मुझे कमेंट करना है तो मुझे अब क्लियरली नजर आ रहा है कि पी कंपनी का सेल्स जो है वो तीनों के मुकाबले सबसे कम है एवरीवन, एंड इसका प्रॉफिट भी सबसे कम है, मतलब बाजू वाले का भी कम है बट वो भी इक्वली तो है। तो सबसे कम प्रॉफिट, सबसे कम सेल्स, फाइनेंशियल पोजीशन समझा? फाइनेंशियल पोजीशन इज सबसे कम सेल्स और सबसे कम प्रॉफिट। इसके साथ थोड़ा मैं रिस्क की तरफ जाना चाहता हूं, तो गिवन लेवरेजेस को देख रहा हूं मैं। मैडम ध्यान दो आप दोनों, गिवन लेवरेजेस को देखूं अगर मैं तो मुझे दिख रहा है यहां पर 3x है और यहां पर 5x है। जो 3x है वो दोनों कंपनी के मुकाबले सबसे कम है या सबसे ज्यादा है? मीडियम है। इसको बोलते हैं मॉडरेट रिस्क। क्या बोलते बोलो? मॉडरेट रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट रिस्क? ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, दोनों के बीच में मॉडरेट रिस्क। तो आप सोचिए, आप अगर पी कंपनी में इन्वेस्टर होते तो आपका रिस्क है मॉडरेट और आपका सेल्स है लोएस्ट और आपका प्रॉफिट मतलब रिटर्न्स है लोएस्ट। वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट? आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? ऑब्वियसली रिस्क सबसे कम चाहिए था, अगर सेल्स सबसे कम है तो रिस्क भी कम रखो भाई। रिस्क को मॉडरेट रख रहे हो, सेल्स को सबसे कम रख रहे हो, प्रॉफिट को सबसे कम रख रहे हो, तो रिस्क लेकर क्या ही तो फायदा हुआ, समझा कि नहीं? तो obviously the financial position as well as structure of this company is not good. Why it is not acceptable?
बिकॉज मॉडरेट रिस्क के साथ मिनिमम सेल एंड मिनिमम प्रॉफिट आ रहा है. नाउ ट्राई फॉर क्यू कंपनी. सबसे पहले सेल्स को देखो, प्रॉफिट को देखो. सेल्स कैसे है? हाईएस्ट सेल्स. प्रॉफिट कैसा है? लोएस्ट प्रॉफिट्स. भाई हाईएस्ट सेल्स के साथ लोएस्ट प्रॉफिट्स. रिस्क की तरफ जाते हैं. रिस्क क्या दिख रहा है? हाईएस्ट. हाईएस्ट क्यों है सर? क्योंकि थ्री जो है यहां पर है थ्री, वहां पर है टू और बीच में है फोर. तो ऑब्वियसली बीच वाली कंपनी का जो लेवरेज है ऑपरेटिंग का, वो दोनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. मतलब तीनों में सबसे हाई ड्यूएल किसका है? क्यू लिमिटेड का है. अच्छा, डीएफएल का स्टोरी वैसा ही है, डीओएल का स्टोरी भी वही है. डीओएल देखो नीचे वाला, फाइव इधर है, उधर थ्री है, सॉरी टू है, और बीच में तो सिक्स है. तो रिस्क भी ज्यादा, सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट सबसे कम. एक्सेप्टेबल है? ऐसा होना चाहिए. मतलब आपका सेल्स सबसे हाईएस्ट, प्रॉफिट सबसे मिनिमम और रिस्क सबसे ज्यादा. Do you think ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है? Obviously not. इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. अब आते हैं लास्ट कंपनी पर, आर कंपनी पर. आर कंपनी का सेल्स कैसा दिख रहा है? मॉडरेट क्यों है? मॉडरेट मतलब रीजनेबल. रीजनेबल क्यों है? क्योंकि वो क्यू से कम है मगर पी से ज्यादा है. Everybody is participating with me? And what about profits? Highest profits. And what about risk? Moderate नहीं, lowest है. Lowest कैसे है सर? अरे P और Q दोनों से कम operating leverage, P और Q दोनों से कम financial leverage. Are you understanding? That means what? Good. Q good. Highest profits, lowest risk, moderate sales. कभी भी अच्छा है. तीनों कंपनी में से किस कंपनी में आप इन्वेस्टर बनोगे? आर लिमिटेड सबसे बेस्ट है. तो मुझे बताओ, कंपैरिजन करने के लिए समरी बोल रहा हूं मैं, अभी सब लोग ध्यान देंगे, समरी बोल रहा हूं मैं. कंपैरिजन के लिए कितनी चीजें देखी आपने? सिर्फ तीन, सेल्स प्रॉफिट लेवरेजेस. सेल्स प्रॉफिट लेवरेजेस. सेल्स क्या देखे? हाईएस्ट है, मॉडरेट है, लोएस्ट है. प्रॉफिट क्या देखा? हाईएस्ट है, मॉडरेट है, लोएस्ट है. लेवरेजेस क्या देखे? रिस्क हाई है या रिस्क लो है. जितना लेवरेज ज्यादा रहेगा रिस्क उतना ज्यादा रहेगा, जितना लेवरेज कम रहेगा रिस्क उतना कम रहेगा. आर यू वेरी वेरी क्लियर? लिखते इसको. सर टुमारो एसएम क्लास विल बी देयर? नो टुमारो, नो एसएम क्लास. अगेन खतरों के खिलाड़ी मैं. ठीक है, टाइमिंग विल बी सेम एज एवरी डे, सेम एज एवरी डे. ठीक है, फाइव 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 क्या होता है? कल चलो एक काम करते हैं, आपके लिए, आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके कहने पर. ठीक है, मैं आपको ब्रेक नहीं दूंगा, ब्रेक नहीं दूंगा, और आपको पूरे 20 मिनट्स जल्दी छोड़ दूंगा. नहीं चाहिए तो ब्रेक चाहिए? तो और क्या चाहिए जिंदगी में आपको? और 20 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा मैं आपको. एंजॉय योर संडे, जी लो अपनी जिंदगी. चलिए कमेंट. पी लिमिटेड इज हैविंग, लिखो, पी लिमिटेड इज हैविंग ये होना चाहिए. देखो तैयारी, सब लोग ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं सर
जो आप ठीक समझो वो कर लो सर, हम तैयार हैं सर। पी लिमिटेड इज हैविंग, लिखो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट, पी लिमिटेड इज हैविंग लोएस्ट सेल्स एंड लोएस्ट प्रॉफिट्स। Lowest sales and lowest profits. Whereas it is having moderate risk since it has moderate DOL and DFL. Thus, performance is not good. Thus, performance is not good. Second company, Q Limited is having, बोलिए, highest sales but lowest profits, Q Limited is having highest sales but lowest profits, and the company is having highest risk since both DOL and DFL आर हाइएस्ट। सही है क्या दोस्तों? हेंस क्या लगता है, परफॉर्मेंस नॉट गुड ना, हेंस परफॉर्मेंस इज पुअर। लास्ट, R Limited is having moderate sales and highest profits. In spite of it, the company is having what? Lowest risk since both DOL and DFL are lowest. Hence, performance is very good. Whatever, performance is very good. I hope आपको अभी how these calculations are useful for finance manager का logic समझ रहा है। अगर एक finance manager है जो ये सब calculate कर रहा है, तो उसको ये logics इस तरीके से समझ रहे हैं कि वो कितना sales generate कर रहा है industry में बाकी लोगों के मुकाबले, कितना उसका प्रॉफिट है इंडस्ट्री में बाकी लोगों के मुकाबले, और उसका रिस्क बाकी लोगों के मुकाबले कंपैरेटिवली कितना है। जब भी आप ऐसा दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करते हो तो इस चीज को क्या बुलाते हैं,
इंटरफर्म या इंट्राफर्म? इंटरफर्म, इंटरफर्म, दो तरीके के कंपैरिजन होते हैं दोस्तों, एक इंट्रा और एक इंटर। तो ये फर्म जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहे, इसे इंटर फर्म बोलते। आप इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन देखा रहेगा, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन देखा रहेगा, तो ये सब बिटवीन टू होते हैं ना। यस, इस तरीके से सबको समझा अच्छे से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू भी हमने सॉल्व कर लिया है। एक मजेदार सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होमवर्क ले लो आप लोग, आपका होमवर्क है क्वेश्चन 312, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका होमवर्क है। DTL is degree of total leverage. Question number 3, question number 12. अब बोलो हमारे कितने questions बचे? एक 15th one. Beta वाला concept है. Yes. तो ध्यान से सुनो, इस concept को सीखेंगे beta के, questions solve करेंगे और 5 minutes में रिविजन करके छोड़ दूंगा मैं आपको, ठीक है? और कल सुन लो अच्छे से, कल हम क्वेश्चनियर बुक डिस्कशन करेंगे। तो आप सब लोगों के पास यहां पर आप क्या लेके आओगे? क्वेश्चनियर बुक। क्यों नहीं मिली भाई? वी स्मार्ट में एक ही बुक दी थी। तो आपको ऑफिस कब तक शुरू है? एक काम करूंगा मैं, लिवरेज पूरा टॉपिक टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको देखना है। लिवरेज का क्वेश्चनियर का पूरा टॉपिक टेलीग्राम पे रहेगा, वहां से देखें। क्या करना है देखिए, क्वेश्चनियर का सुन लो अच्छे से, सब लोग सुनो। क्वेश्चनियर जो भी आपको मिलेगा वो वैसे भी क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन होता है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना होता है, सॉल्यूशन आपको आपके नोटबुक में आपके स्टाइल में सॉल्व करना है। और अगर आपने उनके सॉल्यूशंस देखे तो बिलीव मी आपके सॉल्यूशंस भूल जाओगे, बिकॉज वहां जो सॉल्यूशंस दिए वो सब इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस है। इंस्टीट्यूट किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता है ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। ऐसा सॉल्व करता है जैसे आप सादे से क्वेश्चन को भी कंफ्यूज कर देता है, तो भाई आपके स्टाइल से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन लिवरेज के वैसे भी दो चार लाइन के है, तो आप लिवरेज का टॉपिक जो है वो सॉफ्ट कॉपी में से क्वेश्चन देखकर कर सकते हो। और वैसे भी कल जब यहां पर हम मिलेंगे तो मैं यहां पर आपके सामने सॉफ्ट कॉपी ओपन करूंगा और हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, आप ही मुझे फ्लो बोलोगे, और जिस तरीके से हम अभी जा रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ेंगे। सुनो, एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है, कल आप जब मिलोगे यहां पर तब आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ बोलते रहना है, मेरे साथ साथ स्टेप वेरीफाई होते रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सब चीजें किस पे चलेगी? कैलसी पर और आपके सॉल्यूशन पर। क्वेश्चनियर बुक का सॉल्यूशन आप सॉल्व करोगे, आई रिपीट, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे। जब आप एक क्वेश्चन देखोगे स्क्रीन पर यहां पर, तो मैं आपको पूछूंगा इसका सॉल्यूशन बताओ। जब आप बोलोगे दो चार स्टेप फिर आगे और दो चार स्टेप फिर आगे दो चार स्टेप, आपका सॉल्यूशन मुझे लगा करेक्ट है, मैं आपको बोलूंगा देख लो कैलसी पर एक एक आंसर निकालकर वेरीफाई कर लो, समझा? इस तरीके से क्वेश्चनियर बुक सॉल्व होता है। क्वेश्चनियर बुक में पहली बार न्यू क्वेश्चनियर बुक में एमसीक्यूज भी आए हैं। एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कशन कल नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चनियर बुक मिलने दो। ऑनलाइन वालों को तो मिला ही नहीं है क्वेश्चनियर बुक, तो ऑनलाइन वालों को भी क्वेश्चनियर बुक मिल जाएगा और उसके बाद ही हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज जनरली मैं थोड़ा टाइम बाद सॉल्व करूंगा, ताकि एमसीक्यूज के बहाने हम पिछले चैप्टर्स भी रिवाइज करते रहेंगे। आर यू क्लियर? एंड क्योंकि हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके,
तो इसलिए आपका टेस्ट का अनाउंसमेंट सुन लो अभी। आज तारीख है 9, आपका 13th को टेस्ट होगा। कब होगा? 13th को आपका टेस्ट होगा। वेनेसडे मार्क कर लो डेट, वेनेसडे है 13th को आपके दो टॉपिक का टेस्ट होगा, फर्स्ट टॉपिक एंड लेवरेज सेकेंड टॉपिक। इन दो टॉपिक पर जब आपका टेस्ट होगा तब सिस्टम समझ लो, पहले गूगल ड्राइव पर भी टेस्ट अपलोड होगा उसी वक्त जिस वक्त आपके हाथ में पेपर्स आएंगे। मतलब ऑनलाइन वालों को भी टेस्ट घर बैठ कर देना है, आप लोग भी यहां पर टेस्ट देखो दोगे। उस दिन हम लोग एसएम के क्लास के बाद यहां पर टेस्ट लेंगे, एसएम के क्लास के बाद। ऑब्वियसली आपके जो नॉर्मल कंटिन्यूशन ऑफ लेक्चर्स है उस टाइम में टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम पर भी अगर टेस्ट रखा जाए तो मैं सिलेबस कब पढ़ाऊं आपको। तो आपको दो टॉपिक के बाद अगर मैं एक बार टेस्ट के लिए यहां पर रुका रहूं तो मैं पूरे सिलेबस में आपको ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रुका रहूं? 5 भी कैसे हुआ, हर दो टॉपिक के बाद एक बार, चलो 5 बार, बिल्कुल सही, 5 बार रुकाऊंगा मैं आपको। आप बोलिए मुझे 5 बार आपको रुकने में दिक्कत है? तो 5 बार आप प्रॉमिस करोगे खुद से मैं यहां पर टेस्ट दूंगा। और सुनिए, टेस्ट अगर आपको लग रहा होगा सर क्या सर इतना लेट होता है फिर भी रुका रहे हो, मैं भी रुकूंगा, मैं क्लास में रहूंगा आपके साथ। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपसे सिर्फ करवा रहा हूं, मैं करवा के रहूंगा साथ में। और टेस्ट पेपर्स बिल्कुल भी ये सोचकर मत आना कि पिछले बैच के रहेंगे, इम्पॉसिबल है, समझे? तो जाएगी आप बोलोगे एफएम के पिछले बैच वाले बंदे को कि टेस्ट पेपर दे दे तेरा, कोई फायदा नहीं है। यहां पर आपको गूगल ही मिलने से अच्छा है कि ऐसा कुछ भी स्टंट मत करना, प्रिपरेशन अच्छे से करना। मेरे टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो ही चीजों का नॉलेज लगेगा, नंबर 1 क्वेश्चनियर बुक, नंबर 2 टेक्स्ट बुक। मैं सीक्वेंस वाइज बोल रहा हूं आपको, नंबर 1 क्वेश्चनियर बुक, नंबर 2 इज टेक्स्ट बुक। तो भाई प्लीज क्वेश्चनियर बुक सॉल्व किए बगैर अगर आप टेस्ट को आओगे तो बिलीव मी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। सिर्फ रेगुलर बुक से नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, सुन लो भाई, सब लोग सुन लो कि क्वेश्चनियर बुक से नहीं हो पाएगा, आपके सिर्फ मेन टेक्स्ट बुक से नहीं हो पाएगा, आपको क्वेश्चनियर बुक पूरा सॉल्व करना है। और जब मैं बोलता हूं कि हम डिस्कस करेंगे वगैरह, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ठीक है ये तो फर्स्ट टाइम है आपका और एक्स्ट्रा लेक्चर मिल गया मुझे आज का एसएम का, इसलिए ये मैचअप हो गया, अदरवाइज मुझे यही सेम चीज 1-2 दिन बाद करवानी थी आपसे। तो कोई बात नहीं, वी आर लकी कि हम लोग थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ क्वेश्चनियर बुक नहीं मिला है, डोंट वरी, आज के सेशन एंड होने के बाद विद इन हाफ एन आवर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिवरेज चैप्टर पूरा रहेगा क्वेश्चनियर बुक वाला। आपको करना क्या है, आपको आपके एंड पर उसे एक बार ट्राई करना है, कितने क्वेश्चंस रहेंगे उसमें आई डोंट नो, जितने भी रहेंगे हम ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हर चीज होगी। जो लोग यहां पर आएंगे वो लोग वो सब वैरायटी ट्राई करेंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने के लिए चाहिए। जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं आप किसी को भी पूछ सकते हो, क्वेश्चनियर बुक सॉल्व किए बगैर एग्जाम में जाना सबसे खतरनाक बात है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं कि ओरिजिनली की कॉन्सेप्ट बुक और वो क्वेश्चनियर बुक, तो To be more precise, if you prepare only concept book and you don't prepare your questionnaire book, I don't guarantee you are passing also. But with both the things, I guarantee you cannot fail. In fact, your score will be exemption range में। अब वो FM with SM हो गया इसलिए अपन लोग verify नहीं कर सकते unfortunately. Otherwise verify करके देता था मैं। वैसे भी common sense है FM और SM में कौन सा subject आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, कॉमन सेंस। मैं एफएम पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा भाई, मैं प्रैक्टिकल की भी बात नहीं कर रहा हूं,
आप कॉमन सेंस यूज करो। सीए बनने के बाद आपको एफएम काम में आने वाला है। अच्छा सीए बनना छोड़ दो, फाइनल में यही सेम सब्जेक्ट को इंस्टीट्यूट ने 100 मार्क का एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखा है, तो वो 100 मार्क का बेस आपका इंटरमीडिएट हो रहा है। यू कैन नॉट टेक दिस सब्जेक्ट फॉर ग्रांटेड। आप बोलोगे मैं एसएम ज्यादा पढ़ लूंगा, एफएम कम पढ़ लूंगा, मार्क्स तो उतने आएंगे। मैं सच बताता हूं, एज अ पर्सन मैं मार्क्स को इंपॉर्टेंस देता ही नहीं हूं, मैं कॉन्सेप्ट को नॉलेज को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका फाइनल का बेस बना कर रहूंगा मैं। आप फाइनल में इनमें से कोई भी चीज भूल नहीं पाओगे, दैट्स माय गारंटी। बट फॉर दैट यू नीड टू बी हियर मेंटली एंड फिजिकली। कल संडे है, आपको आना है। इनमें से कोई भी एब्सेंटिज्म का सोचना भी मत, क्योंकि आपने अभी अभी 1 तारीख को खुद से वादा किया था कि जो गलतियां ग्रुप 1 में किए थे वो हम ग्रुप 2 में नहीं करेंगे। तो करोगे क्या गलती? कल आओगे ना इधर? सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली आओगे ना? आना ही आपको, आपके लिए बोल रहा हूं मैं। टाइमिंग सेम रहेगा, सेम टाइम 3:30 to 7, 7:15 नहीं रहेगा, 7 तक। ठीक है, क्या बोले था? रेगुलर टाइम। अरे यार ऐसे मतलब मैं ऐसे नहीं ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली यार। ठीक है चलिए, लेट अस बिगिन। कितने मार्क्स का टेस्ट रहेगा? थ्योरी रहेगा क्या? एमसीक्यू रहेगा क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे क्या? सिंपल एक इनका जवाब है, आईसीएआई स्टैंडर्ड से रहेगा टेस्ट। तो इसमें एमसीक्यू भी रहेंगे, इसमें थ्योरी भी रहेगा, इसमें प्रैक्टिकल भी रहेगा। नो डाउट प्रैक्टिकल पे ज्यादा वेटेज रहेगा, थ्योरी पे वेटेज बहुत कम। बट रखा क्यों गया है आपको, मैं अभी से आदत डाल रहा हूं कि थ्योरी लिखो। अच्छा ये भी समझाता हूं मैं आपको, काफी लोग इसमें भी स्टंट करते हैं, टेस्ट क्वेश्चंस में थ्योरी लिखते नहीं है। सुनो अच्छे से, सुन लो अच्छे से, हंसो बाद में, पहले सुन लो कि टेस्ट क्वेश्चन में ये लोग थ्योरी क्यों नहीं लिखते। इनको लगता है कि थ्योरी लिख नहीं पाते अपन, थ्योरी वापस से मतलब ध्यान तो है बट वर्डिंग में लिखना थोड़ा मुश्किल जाता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स दैट्स द रीजन आई एम गिविंग यू दैट थिंग इन योर टेस्ट, सो दैट आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो। ये जो भी आप टेस्ट लिखोगे इसके जितने भी मार्क्स मिलेंगे आपके पेरेंट्स के नंबर हमारे पास रहेंगे, हम उनके व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे नहीं भेजेंगे। आप ग्रोन अप किड्स हो यार। हाँ, इन सभी के मार्क्स का एक लिस्ट बनकर प्रिंट आउट बाहर नहीं लगेगा, तो फिर ये मार्क्स सिर्फ आप ही देखने वाले हो, तो क्यों चीटिंग कर रहे हो? फिर लिखो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को 0 मार्क दिया जाएगा, उससे बस तो कुछ नहीं होगा। थ्योरी भी लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस होगी। ठीक है चलिए, एक क्वेश्चन और फिर आपका क्लास खत्म। रिवीजन कैंसिल कर रहा हूं मैं, रिवीजन नहीं लूंगा, बस एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सी एक सुनो, मेरा नेचर समझ लो, आपको पता नहीं है शायद, डिसाइड किया मतलब करने वाले अपन, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आप अगर बोलोगे नहीं नहीं तो और 5 मिनट यही चलेगा, बट करने तो वाले अपन, तो क्या करना है अभी करते। ठीक, चलो आपके पास एक पेज नंबर 34 पर कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा दिख रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा। व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा? प्लीज फोकस नाउ एवरीवन, क्लास में पूरा साइलेंस चाहिए मुझे अभी, और सब लोग ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा पे। कोई भी शेयर्स जब आप कंपनी के बोलते हो, शेयर्स थोड़ा स्टॉक मार्केट रिलेटेड ध्यान दो इधर, जब भी आप एक कंपनी के शेयर बोलते हो तो शेयर्स में 2 टाइप के रिस्क होते हैं। एक कंपनी का रिस्क अगर मैं बोलूं तो 2 टाइप का होता है, एक अनसिस्टमैटिक और एक सिस्टमैटिक। बोलो एक बार, अनसिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक को बोलते हैं डाइवर्सिफाइबल रिस्क,
कौन सा? डाइवर्सिफायर। सिस्टमैटिक को बोलते हैं नॉन डाइवर्सिफायबल। क्या बोलते हैं? नॉन डाइवर्सिफायबल। नाउ व्हाट इज डाइवर्सिफायबल रिस्क? जो रिस्क हम कम कर सकते हैं, किसी और को पास ऑन नहीं करना है, कम करना है, उस रिस्क को हम बोलते हैं डाइवर्सिफायबल। बट जिस रिस्क को तुम कम नहीं कर सकते उसे आप बोलते हो नॉन डाइवर्सिफायबल। आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। सपोज जैसे कि लेट अस से कि दो कंपनी है, टाटा एंड मारुति, ठीक है, टाटा एंड मारुति। सपोज इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट डाउनफॉल में आ गया, इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट डाउनफॉल में आ गया, रिसेशन में आ गया, डिमांड ही नहीं है ऑटोमोबाइल्स का फॉर एनी रीजन, पेट्रोल के दाम और आसमान छू गए भाइयों और बहनों, कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे देशवासियों। रात को 8 बजे टेलीविजन पे आएंगे मोदी जी और हमें कुछ सुनाएंगे अच्छी अच्छी बातें, आधी से ज्यादा जनता बोलेगी कितनी छान, कितना अच्छा बात किया, क्या बढ़िया बात करता है ये बंदा, और आधे से ज्यादा पब्लिक ये भी बोलेंगे कि करेक्ट एकदम, ये जो बोलता है ना एकदम सही बोलते है ना। और फिर हमें अगले दिन से ही पेट्रोल डीजल पे ज्यादा प्राइसेस देने पड़ेंगे, ऑटोमोबाइल्स का डिमांड क्या हो जाएगा? क्रैश। सपोज ऐसा हुआ, सपोज, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे सिनेरियो में इन दो कंपनीज में से किस कंपनी में सबसे ज्यादा असर होगा? टेल मी, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर बाकी लोग, मारुति, मारुति श्योरली, यस। क्यों टाटा पे इतना इंपैक्ट क्यों नहीं होगा? टाटा ने अपना बिजनेस का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखा है, अलग 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 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। टाटा फाइनेंस है, टाटा आपका सॉल्ट है, टाटा कंसल्टेंसी है, टाटा स्टील्स है, यू नेम इट एंड वी हैव टाटा देयर। इंडिया का सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड कंपनी रिलायंस, टाटा, ये सब आते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफाइड कंपनीज। बट मारुति ने क्या किया? अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह लगा दिया, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। अब इसका मतलब यह है कि अभी के एग्जाम्पल में टाटा ने अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क, मतलब ही डाइवर्सिफाइबल रिस्क को क्या कर दिया? कम। कि भाई ऑटोमोबाइल मार्केट डाउन है तो क्या हुआ? स्टील मार्केट अप रहेगा, सॉल्ट मार्केट अप रहेगा, कंसल्टेंसी से ज्यादा कमाएंगे तो बैलेंस आउट हो जाता है। बट मारुति ने कुछ नहीं किया, ऐसा पूरा पैसा एक ही जगह लगा दिया, ऑटोमोबाइल मार्केट। ऑटोमोबाइल मार्केट डाउन, मारुति का पूरा बिजनेस डाउन, रिस्क पूरा उनके पास। तो मारुति ने अपना अनसिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफाई हो सकता था, किया क्या? नहीं किया। आई होप यू आर कंफर्टेबल एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक। अभी हमने जो डिस्कशन पूरा किया ये कौन से रिस्क पे किया? अनसिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्सिफाई। हाउ वी डाइवर्सिफाई, वो एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिकल लाइफ का लेके डिस्कस किया। सबको समझा? नाउ कमिंग टू सिस्टमैटिक रिस्क विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन डाइवर्सिफाइबल। इसको आप कम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अगर आप इसे कम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि ये रिस्क जो है ये यूनिवर्सल फैक्टर से आते हैं। किससे आते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर से आते हैं, जो एप्लीकेबल टू ऑल है। आप कोई भी सेक्टर में रहो आपको वो रिस्क झेलना ही है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर 2024 के इलेक्शंस में वेर एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग बीजेपी, 3 स्टेट में बीजेपी आ गई और मार्केट ने एकदम बड़ा छलांग लगाया, आप सबने देखा रिसेंटली, अपन ने विटनेस किया उसे कुछ दिनों पहले। नाउ जस्ट इमेजिन 2024 इलेक्शंस अगर सेंट्रल पे कांग्रेस सिलेक्ट हो जाती है, इंडिया पार्टी सिलेक्ट हुई। आई एम टेलिंग यू इंडियन मार्केट के हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लैक डे रहेगा वो। यस, मार्केट लोअर सर्किट पे चला जाएगा, स्टॉक्स की धज्जियां उड़ जाएगी सब, वो रिलायंस रहने दो, टाटा रहने दो, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स सब डाउन,
अदानी पूरा नेगेटिव। तो भाई साहब ऐसा रिस्क जो तुम देख रहे हो यूनिवर्सल है, वो रिस्क को तुम अवॉइड कर सकते क्या दूसरे सेक्टर में एंटर करके? उधर तुमने दूसरे सेक्टर में एंटर किया ना तो डबल रिस्क हो जाता। तो वो रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते बिकॉज दोज रिस्क आर ड्यू टू यूनिवर्सल फैक्टर्स एंड सच काइंड ऑफ रिस्क इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन डाइवर्सिफाइबल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मार्केट रिस्क। तीन नाम बोले मैंने, बोलो, नॉन डाइवर्सिफाइबल, सिस्टमैटिक, मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्यों बोलते हैं? बिकॉज दैट रिस्क इज कमिंग फ्रॉम मार्केट टू एवरीवन, इसलिए इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। अब ये रिस्क को हम कम कर सकते क्या? नहीं, तो बेटर इग्नोर कर दो, चलेगा क्या? ऐसे कैसे इग्नोर करो ना, जो रिस्क को हम झेलने वाले उसको इग्नोर करने से अच्छा मेजर तो करके रख। इस रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे रिड्यूस नहीं कर सकते, तो कम से कम मेजर तो करके रख सकते हैं ताकि हम जान पाए कितना रिस्क है। तो मेजर द सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क, वी यूज बीटा, वी यूज बीटा। समझा क्या अभी? तो मैंने फिर से एक बार, रिस्क दो टाइप के, एक अनसिस्टमैटिक, दूसरा सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक डाइवर्सिफाइबल है, चिंता मत करो, डाइवर्सिफाई करके कम कर दो। दूसरा रिस्क कौन सा है? सिस्टमैटिक, नॉन डाइवर्सिफाइबल है, कम नहीं कर सकते यूनिवर्सल फैक्टर्स की वजह से। क्या करोगे? इग्नोर कर, चलेगा क्या? नहीं, मेजर करके रख। एंड फॉर मेजरिंग दोज रिस्क वी यूज बीटा। व्हाट इज बीटा सर? सेंसिटिविटी ऑफ अवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स। आई रिपीट, सेंसिटिव, मेरे साथ रिपीट करोगे, सेंसिटिविटी ऑफ अवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स। अब ये मार्केट इंडेक्स क्या होता है? सेंसेक्स, निफ्टी, इन सबको बोलते हैं मार्केट इंडेक्स, मतलब इंडिकेटर ऑफ मार्केट। कल संडे, कल वीकेंड है, मैं आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दूंगा कि सेंसेक्स कैसे निकाला जाता है, निफ्टी कैसे निकाला जाता है, ठीक है? तो सुनो, सेंसेक्स अगर सपोज 10% से नीचे जाता है, सेंसेक्स अगर 10% से नीचे गया तो हमारा स्टॉक कितने से नीचे जाएगा इज मेजर्ड बाय बीटा। बीटा समझा क्या है? तो अगर मेरा बीटा 1.5 टाइम्स है, कितना? 1.5 टाइम्स। सेंसेक्स गिरा 10% से, मेरा स्टॉक कितने से गिरेगा? बोलो, मेरा स्टॉक कितने से गिरेगा? 15% से। क्यों? मेरा बीटा 1.5 टाइम्स था। अगर मेरा बीटा 0.5 होता तो 5% से हमारा स्टॉक नीचे आता। अगर हमारा बीटा 1 होता तो मार्केट 10% से नीचे गया, तुम्हारा स्टॉक भी 10% से नीचे जाएगा। तो फर्स्ट केस जो था 1.5 टाइम्स बीटा का, उस केस में हमारा कंपनी का रिस्क मार्केट से ज्यादा है, तो मोर रिस्की बोलते। बीटा जब जब 1 से ज्यादा रहेगा, मोर रिस्की देन मार्केट। जेबा, बीटा जब जब 0.5 पे था, मतलब लेस रिस्की देन मार्केट। क्यों लेस रिस्की सर? मार्केट 10% से गिरा, तेरा स्टॉक 5% से नीचे गिरा। और अगर बीटा 1 है, एट पार विथ मार्केट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एट पार विथ मार्केट। बीटा क्लियर? बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ अवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स। मार्केट चेंज हुआ तो तेरा स्टॉक कितने से चेंज होगा इज मेजर्ड बाय बीटा। फिर से एक बार बोलो लास्ट सेंटेंस, मार्केट अगर चेंज हुआ तो तेरा स्टॉक कितने से चेंज होगा, ये रिलेशनशिप को मेजर करने वाले आइटम को बोलते हैं बीटा। सर, कैन इट बी पॉसिबल दैट मार्केट गिरा 10% से और हमारा स्टॉक बढ़ा 2% से? बढ़ा, हो सकता है? Yes, उस केस में बीटा नेगेटिव हो जाएगा। कोविड टाइम्स पूरा मार्केट गिर रहा था और फार्मा कंपनी के स्टॉक बढ़ रहे थे, स्पेसिफिकली वो लोग जिन्होंने इनकी मेडिसिन निकाली या उनके टेस्टिंग के कुछ निकाले, बराबर है क्या? कोविड टाइम्स में मार्केट पूरा नीचे जा रहा है, फार्मा कंपनीज ऊपर जा रही है। ऑब्वियसली दैट टाइम ड्यू टू दोज एक्सेप्शनल सिचुएशन दीज कंपनीज वेर हैविंग नेगेटिव रिलेशनशिप विद मार्केट, ऑब्वियसली बीटा वॉज नेगेटिव।
व्हाट इज नेगेटिव बीटा? मार्केट गिरा तेरा स्टॉक बढ़ा, मार्केट बढ़ा तेरा स्टॉक गिरा। मार्केट आज 100 पॉइंट ऊपर है, मतलब हर कंपनी का स्टॉक 100 पॉइंट ऊपर है क्या, या हर कंपनी का स्टॉक बढ़ा क्या? नहीं। इसके बारे में ऑब्वियसली अपन लोग डिटेल में कल देखेंगे कि सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बट ये कंसेप्ट समझा कि आपको बीटा का, जितना भी अपन ने बीटा के बारे में सुना ना वो लिखते इधर और फिर क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, राइट देयर। बीटा इज यूज्ड, बीटा इज यूज्ड टू मेजर डैश रिस्क। बोलो, मार्केट रिस्क का दूसरा नाम सिस्टमैटिक रिस्क, और एक नाम नॉन डाइवर्सिफाइड। सिस्टमैटिक ऑब्लिक मार्केट ऑब्लिक नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। लिखा, बीटा इज यूज्ड टू मेजर सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क। नीचे की लाइन में लिखो, बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स। बोल दो, विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स का एग्जाम्पल सेंसेक्स, निफ्टी, जैसे कि इंडिकेटर ऑफ बीएससी सेंसेक्स है, इंडिकेटर ऑफ एनएससी निफ्टी है वैसे। सो यहां पर एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि इजीली समझ जाएगा अपने को बीटा का कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं सेंसेक्स, और यहां पर लेते रिलायंस इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल है ये, और यहां पर ले लेते बीटा। ठीक है, सेंसेक्स, रिलायंस इंडस्ट्री एंड बीटा। तो फ्रेंड्स, सेंसेक्स 10% से अगर गिरता है, रिलायंस इंडस्ट्री अगर 25% से गिरता है, यस, तो हमारा बीटा वैल्यू 2.5 टाइम्स। अब बोलोगे बैच बाकी है, सेंसेक्स 10% से नीचे गिरा, रिलायंस 25% से नीचे गिरा, बीटा वैल्यू इज 2.5 टाइम्स। अगर मैं आपको रिस्क पूछूं तो आप बोलोगे मोर देन मार्केट। सेम लाइक दिस, यहां पर अगर सेंसेक्स 10% से नीचे गिरता है और रिलायंस केवल 5% से नीचे आता है तो बीटा वैल्यू इज 0.5। क्या बोलोगे आप? रिस्क इज लेस देन मार्केट। एंड लास्टली, अगर दोनों 10-10% से नीचे आते हैं तो मार्केट भी 10% से नीचे गिरा, अपना स्टॉक भी गिरा, तो ये है 1 बीटा एट पार, मतलब इक्वल एट पार विथ मार्केट, मतलब इक्वल टू मार्केट। अच्छा, बीटा को सिर्फ बीटा ही क्यों बोलते हैं? अल्फा, गामा, ये भी तो है, थीटा। बीटा को बीटा इसलिए बोलते हैं बेटा, ये सब सुन लो ना बेटा,
आपके इंटरव्यू में जब सीए बनकर सामने बैठोगे ना, तो इस तरीके के इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बीटा इज कॉल्ड एज बीटा बिकॉज ये अल्फा बीटा गामा थीटा में सबसे फास्टेस्ट चेंजिंग वैल्यू बीटा की होती है। तो आप सोचिए, एक स्टॉक चेंज हो रहा है, मार्केट इंडिकेटर चेंज हो रहा है, मतलब सेंसेक्स, वापस सेंसेक्स चेंज हुआ, स्टॉक चेंज हुआ, सेंसेक्स चेंज हुआ, स्टॉक चेंज हुआ, तो आपको लगता है कि आपका बीटा जो हम लोग एग्जाम्पल में लिख रहे हैं ऐसा कॉन्स्टेंट रहेगा? अरे सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी कॉन्स्टेंट नहीं रहता हो, मतलब कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज हैविंग फास्टेस्ट चेंजिंग वैल्यू। कभी आप मार्केट स्क्रीन ओपन की हो, तो मार्केट जब ओपन रहता है ना, तो ऐसा सेंसेक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता है और स्टॉक के वैल्यूज भी कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, तो कॉमन सेंस लगाओ बीटा भी क्या होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो जो सबसे फास्ट वैल्यू चेंज कर रहा है उसको बीटा बोलते। फिर याद रहेगा कि स्टॉक में कितने रिस्क होते हैं? दो। पहला अनसिस्टमैटिक, डाइवर्सिफाइबल होता है, वो भूल जाओ, डाइवर्सिफाई करके भूल जाओ, मैनेज कर सकते ना, ओके। सेकेंड नॉन डाइवर्सिफाइबल, सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क, कम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो मेजर करेंगे कि इग्नोर करेंगे? मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे? बीटा से मेजर करेंगे। और इस तरीके से मेजर होता है। एक बार लास्ट टाइम डेफिनेशन ऑफ बीटा चाहिए आपकी तरफ से। सेंसिटिविटी ऑफ अवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स। मार्केट इंडेक्स का एग्जांपल निफ्टी सेंसेक्स ही आएगा। और आपका बीटा वन से ज्यादा रहेगा तो रिस्क मार्केट से ज्यादा, वन से कम रहेगा तो रिस्क मार्केट से कम, इक्वल टू वन रहेगा तो एट पार विथ मार्केट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कल वीकेंड है, कल आपको टेक अवे भी मिलेगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंजॉय योर डे एंड डू योर होमवर्क। होमवर्क बोलिए एक बार, कौन से क्वेश्चन नंबर 3 and 12 डाइवर्सिफाइबल रिस्क मेजर नहीं करेंगे बेटा, कम करेंगे। डाइवर्सिफाइबल रिस्क मेजर करके क्या करोगे? आपको दूसरे सेक्टर में एंटर करके उसको कम करना है, मैनेज करना है। चलो बाय बाय, बाय। ये क्यों स्टॉप लिखा है? क्या स्टॉप लिखा है? क्या इधर है? इधर स्टॉप, ये लिंक पे चल रहा है तो बंद कर दो।